गांव से बहुत दूर पहाड़ की एक ऊंची चट्टान पर बैठा एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उस व्यक्ति को रोता देख बौद्ध भिक्षु उसके पास गए और उससे पूछा, क्या इस चट्टान से कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? वह आदमी बोला, आपने एकदम सही अनुमान लगाया। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम आत्महत्या ही करने आए हो तो अपने साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों लाए हो? वह इंसान चौंकते हुए बोला, लेकिन मैं तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया, मैंने तो सब कुछ पीछे ही छोड़ दिया है। भिक्षु ने कहा, फिर तुम अपने साथ इतना बोझा लिए क्यों बैठे हो? आदमी ने अपने चारों तरफ देखकर कहा, मैं क्या लाऊंगा, मैं तो गरीब हूँ, कंगाल हूँ, खाली हूँ। भिक्षु ने कहा, गलत, तुम खाली नहीं हो, क्योंकि खाली इंसान दुखी होकर आत्महत्या नहीं करता। तुम जरा अपने अंदर ध्यान से देखो, तुमने कितना सारा बोझ अपने भीतर उठा रखा है। यह बोझ इतना भारी है कि यह तुमसे तुम्हारी सांसें छीनने जा रहा है। इसे निकालकर बाहर फेंको और थोड़ा हल्की हो जाओ। आखिर कब तक इस बोझ को ढोते रहोगे? आखिर कब तक इसके नीचे दबे रहोगे? ये सुन वह इंसान बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुनिवर, आपने तो मेरे दिल की बात पढ़ ली। मेरे अपने भी मेरी भावनाओं मेरी चिंता को नहीं समझ पाए, लेकिन आपने पल भर में मुझे समझ लिया। अब आप ही मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिलवा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कहाँ है समस्या? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे घर में महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। भिक्षु ने कहा, नहीं, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। व्यक्ति ने कहा, लेकिन महाराज समस्या तो वही है। भिक्षु ने कहा, समस्या तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम खुद को अंदर से ठीक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएगी। अगर समस्या तुम्हारे घर में ही थी तो तुम यहाँ इस जंगल में आकर भी दुखी क्यों थे? यहाँ बैठकर जोर जोर से क्यों रो रहे थे? तुमने तो घर छोड़ दिया था, फिर समस्या भी घर में ही छोड़ जानी चाहिए थी। व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। कमी मेरे भीतर ही है, मैं ही किसी काम का नहीं हूँ। असल में मैं बहुत अभागा हूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। भिक्षु ने कहा, बताओ मुझे कैसे तुम्हारी किस्मत ख़राब है? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने परिवार वालों से दूध का व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन लिया था, लेकिन मेरा वो व्यापार चल नहीं पाया और सारा धन डूब गया, जिसकी वजह से मेरे सारे परिवार वालों ने मुझसे दूरी बना दी। मैंने उन्हीं के लिए ही तो ये सब शुरू किया था कि अच्छा व्यापार चलने पर बहुत सारा धन कमाऊँगा और अपने परिवार वालों को सारी खुशियाँ दूंगा, लेकिन वो सब मुझे मेरी इस असफलता का जिम्मेदार मानते हैं और पूरे दिन कोसते रहते हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैंने उनके साथ गलत किया है। मेरे ही साथ मेरे एक दोस्त ने भी दूध का व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अब मेरे घर वाले रोज़ मुझे ताना मारते हैं कि देख उसको, वो कितना सफल हो गया, लेकिन तू तो है ही निकम्मा, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। मेरा दोस्त भी अक्सर मेरे घर आकर ये बताता रहता है कि वो कितना सफल हो गया है, कैसे उसने अपने दम पर इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, उसने इसके लिए कितनी मेहनत की है। उसकी बातें सुनकर लगता है कि मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूँ, और अब तो घर के हालात ऐसे हैं कि मेरा घर भी गिरवी रखा हुआ है। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मित्र अक्सर तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो मुझे नीचा दिखाने आता है। वो ये जताना चाहता है कि वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और परिश्रमी है। वो खुद को मुझसे अधिक श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी होता रहूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम उसकी बातें सुनकर दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ दुख तो होता ही है। भिक्षु ने कहा, दुख किस बात का होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचकर कहा, सच कहूँ तो अपनी असफलता से कहीं ज़्यादा दुख मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, मतलब तुम्हारे मित्र की असफलता पर तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा खुशी होगी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, असल समस्या तुम्हारा व्यापार में असफल होना नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों का नकारात्मक होना है। तुमने अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर रखा है, और फिर उन नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे काम और दूसरों के साथ तुम्हारे संबंधों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। व्यक्ति बोला, हाँ मुनिवर, मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है। जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया था तब भी मेरे मन में इसी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे कि कहीं मैं व्यापार में असफल ना हो जाऊं। मेरे मन में हमेशा ही ये असफलता का डर लगा रहता था, और अंत में मैं असफल ही हो गया। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे मन में
सकारात्मक विचारों को जगह देने की जरूरत है। अभी तक तुम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से परिचित नहीं हो। हालांकि तुम्हारे मित्र की बातें तुम्हें दुखी करती हैं, लेकिन बातें वो सच्ची ही बताता है। वो अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बातें ही बताता है। तुम उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्षों से मिली सीख का उपयोग करो। दुखी होने की बजाय इस बात की खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे एक सफल इंसान के अनुभव मिल रहे हैं। कड़ी मेहनत करो, हार मत मानो, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और तुम भी एक दिन एक सफल इंसान बनोगे। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हम सफल होंगे या असफल, ये मुख्य रूप से हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए जिंदगी की ओर हमेशा एक सकारात्मक मानसिकता बनाकर रखो। ती ने कहा, आप सच्ची कह रहे हैं, मैंने अपने अंदर बहुत से नकारात्मक विचार भर रखे हैं और यही मेरी असफलता का कारण भी है। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं तो अपने परिवार वालों के लिए अच्छा कर रहा था, लेकिन उन्होंने ही मुझसे दूरी बना ली। भिक्षु ने कहा, असल में तुम संतावना और तारीफ चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान संतावना और तारीफ चाहता है। लोग चाहते हैं कि जब भी वो कुछ करें तो दूसरे लोग उनकी तारीफ करें। तारीफ ना मिलने पर मन दुखी और अनुत्साहित हो जाता है। लगने लगता है कि सब स्वार्थी हैं और मन में ऐसे विचार आते हैं कि जब इन्हें मेरे काम की परवाह ही नहीं तो मैं क्यों इनके लिए कुछ करूं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो इसमें संतावना और तारीफ की कैसी जरूरत? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ये काम किसी और के लिए कर रहे हो? तुम उस काम को केवल अपना कर्तव्य समझकर करो। कर्तव्य समझकर किए गए कामों के लिए किसी भी प्रकार की प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि जब एक माँ अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखती है तो इसके लिए चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे या ना करे, वो अपने बच्चे का ख्याल पूरी निष्ठा के साथ रखती है, क्योंकि वो उसे अपना समझती है और उसकी देखरेख करना अपना कर्तव्य। इसी प्रकार तुम भी अपने कामों को अपना कर्तव्य समझकर करो। अगर दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा और बुराई तुम्हें सुख और दुख देती है तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी अपने कर्मों पर नहीं बल्कि दूसरों के विचारों पर निर्भर कर रही है, जो कि हमेशा बदलते रहते हैं। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं। अब तक मैं दूसरों से प्रशंसा और वाहवाही की उम्मीद से काम करता था, इसलिए मैं दुखी था। लेकिन अब से मैं आपकी दोनों बातें याद रखूंगा। पहली कि मुझे हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और दूसरी ये कि कभी भी किसी दूसरे को खुश करने के इरादे से कोई काम मत करो। लेकिन क्या इन दो सीखों के अलावा भी आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जो कि मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे? भिक्षु मुस्कुराए और अपनी झोली में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और कहा, यह डिब्बी मैं तुम्हें देता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता ना बचे, जब तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगे। वह व्यक्ति भिक्षु को धन्यवाद कर उस डिब्बी को लेकर चला गया। उसने भिक्षु की बताई बातों का पूरी तरह से पालन किया। अब उसने नकारात्मक सोचना छोड़ दिया था और अब उसे दूसरों की राय से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने दोबारा अपना व्यापार शुरू किया, जिसमें वह बहुत सफल भी हुआ। उसके परिवार वाले भी अब उसकी इज्जत करने लगे थे। वह काफ़ी अमीर हो चुका था। उसने अब बीते समय के लिए रोना छोड़ दिया था, लेकिन फिर से समय ने अपना चक्र घुमाया। उसके राज्य में पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। उसकी घर दुकानें सब तोड़ दी गई। उसके परिवार के कई लोग हमले में मारे गए। वो अपने बीवी बच्चे की जान बचाकर दूसरे राज्य में भागा। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। भूख के मारे उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बच्चे बीमार और भूखे थे, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था। वह बहुत दुखी था। उसे अब सब व्यर्थ लग रहा था। भिक्षु की बातें भी व्यर्थ लग रही थी। वह अंदर से एकदम टूट चुका था। उसका फिर से आत्महत्या करने का मन होने लगा। तभी उसकी नज़र अपनी जेब में पड़ी उस डिब्बी पर गई, जिसे भिक्षु ने दिया था। उसने डिब्बी खोली। उसके अंदर एक कागज और एक सोने का सिक्का था। उस कागज को पढ़कर वो जोर से हंसा। उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने उस सोने के सिक्के से अपनी नई शुरुआत की। हो सकता है कि आपके पास वो सोने का सिक्का ना हो, लेकिन हिम्मत तो है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।